हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 6, प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग। ओके, बच्चों की डिमांड थी कि शुरुआत से ना कराते हुए मैं चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 11, 12 ये पीछे के चैप्टर पहले कवर करा दूं। तो हम लोग आ गए अब पीछे के चैप्टर लेकर के। तो प्लांट फाइबर्स जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग्स में, अब सर्जिकल ड्रेसिंग जैसे तुम लोगों को पता है, पट्टी जो बांधी जाती है, ठीक है ना, उसमें जो कॉटन इस्तेमाल हो रही है वो कैसी है, क्या है, ठीक है, नो डाउट कॉटन ही है। उसको स्टेरिलाइज कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? स्टेरिलाइज। तो कैसे इस्तेमाल में आती हैं और कैसे बनती हैं, क्या इनका सोर्स है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग केवल इसमें चार हैं, कॉटन, सिल्क, वूल और रीजनरेटेड फाइबर्स। तो जिसमें हम आज केवल कॉटन को डिस्कस करेंगे, थोड़े से लेंदी है, समझने में थोड़ा सा भारी पड़ेंगे। एक और चीज़, इसके नोट्स, ये जो चैप्टर है टोटल लेक्चर नंबर 1, 5 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है मैंने, ठीक है ना। हर एक लेक्चर के अंत में जो आज पढ़ाया हुआ है उसके नोट्स मिलेंगे, और चैप्टर नंबर 5 के एंड में डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर के नोट्स में एक साथ दे दूंगा। उससे बेनिफिट क्या होगा, जो बच्चे एक साथ निकालना चाहते हैं एक साथ, जो अभी साथ में पढ़ के, जो साथ में पढ़ रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको भी नोट्स अवेलेबल रहें। तो हर एक लेक्चर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आज के लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, और लास्ट लेक्चर ऑलरेडी डिसाइडेड है, 5 ही बनेंगे, इसके 5 से ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है ना। ये लेक्चर आएगा पहला, तो 4 लेक्चर बैक टू बैक आ जाएंगे विद इन 5 to 6 hours, उसके चारों पार्ट कवर हो जाएंगे, और एक लेक्चर और, यानी कि ये आज, अगर ये आज लेक्चर आ रहा है तो मान के चलो कल 5वां लेक्चर, पूरे 5 लेक्चर आ जाएंगे। क्लियर है? चले आगे, तो स्टार्ट करते हैं प्लांट्स फाइबर। तो बच्चों देखो, फाइबर्स, कुछ बच्चों को कंफ्यूज होती है, फाइबर्स क्या, फाइबर से क्या समझे। तो फाइबर बच्चों कुछ और नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये रेशा, जैसे मेरा हेयर है ये, इसको फाइबर बोल सकता हूँ। एक धागा नुमा चीज, एक धागेदार चीज, जो धागा होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फाइबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फाइबर। ऐसे फाइबर्स जो, या ऐसे धागे जो प्लांट से बनते हैं या प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो फाइबर कुछ और नहीं है, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेंगे। फाइबर क्या है हमारे पास? फाइबर का मतलब धागे, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। फाइबर का मतलब क्या हो जाएगा? धागे, ठीक है, ओके। अब समझते हैं धागे आते कहां से, प्लांट का कौन सा हिस्सा आखिरकार ऐसा है जो धागा बन जाता है, ठीक है ना, प्लांट का कौन सा हिस्सा है जो धागा बन जाएगा। तो देखो बच्चों, यहां पर हम अगर बात समझने की कोशिश करें, जिन लोगों की बायो थोड़ी सी भी स्ट्रांग है, ठीक है, प्लांट की एनाटॉमी पढ़ रखी है और प्लांट की एनाटॉमी थोड़ी बहुत याद है, तो प्लांट के अंदर 3 बेसिक्स क्या पाए जाते हैं, फंडामेंटल टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला है पैरेन्काइमा टिश्यू, दूसरा है कोरेन्काइमा, और एक है स्क्लेरेन्काइमा। क्या कहते हैं इसको? स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होते हैं ये लिविंग होते हैं, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर जहाँ पर स्पेस खाली होता है ना, तो वहाँ पर स्पेस भरने का काम करते हैं। अब कैसा स्पेस खाली होता है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मान लो मेरी बॉडी है, ठीक है, अब यहाँ पर स्टमक है, यहाँ लीवर है, बीच बीच में जगह खाली है, तो कुछ सेल्स आके उसको क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। ऐसे प्लांट्स के अंदर होता है, जो खाली स्पेस है वहाँ पर आकर के उसको वो भर देते हैं। कोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये दोनों कहीं ना कहीं सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब प्लांट मजबूत रहे, डटा रहे, टिका रहे, टूटे नहीं जल्दी, ठीक है। तो कोरेन्काइमा में हमारे मतलब का नहीं है। अब जरा गौर से देखते हैं, ये आ गया स्क्लेरेन्काइमा, बहुत छोटे होते हैं फाइबर ये, ठीक है ना, हमको ऐसे हम निकालने की कोशिश करें तो नहीं समझ में आएगा। हाँ, देख सकते हो, जैसे जूट वगैरह है, गांव वगैरह में जूट होता है ना, ऐसे छीलते चले जाते हैं, ठीक है, रेशे, जिनसे रेशे टाइप निकलते हैं। तो अब देखो, ये सेल्स बैक टू बैक सारे जुड़े हुए हैं। अब सेल वॉल विद लिग्निन, इसकी जो सेल वॉल है, ये बाहर की परत क्या सेल वॉल है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिग्निन भरा हुआ है, ठीक है ना, और बीच के अंदर क्या है, कैविटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिन। ये एक इस टाइप से सेल हमको नजर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर, ये धागा नुमा है, धागा टाइप का सेल, देख लो बाकी सब गोल गोल है, ये एकदम लंबा लंबा सा सेल है। यानी कि फाइबर्स कौन से सेल बनाते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज के सेल्स मिल करके क्या बनाते हैं, फाइबर्स। कौन से सेल? स्क्लेरेन्काइमा। ये सेल्स डेड होते हैं, कैसे होते हैं, मरे हुए होते हैं, इनका काम केवल और केवल क्या है, सपोर्ट का,
किसका काम है? केवल सपोर्ट करना प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट, है ना। कोई आंधी तूफान आ रहा है तो जल्दी टूटे तो टाटे ना। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों टाइप के टिश्यूज को, थोड़ा जिससे दिमाग में सेट रहे बातें। पैरेन्काइमा लिविंग थिन वॉल टिश्यू, कैसा है ये? लिविंग है और थिन वॉल टिश्यू है। इट इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, पतले ऐसे सेल्स जिनकी दीवारें पतली हैं, एंड मेक्स अप द फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। और क्या बना रहा है? जो फोटोसिंथेसिस करने वाले टिश्यू है उनको बना रहा है। इन द लीव्स द पल्प ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पल्प, पल्प मतलब जो फ्रूट के अंदर गूदा होता है जिसे हम खाते हैं। एंड द एंडोस्पर्म ऑफ मैनी सीड, एंडोस्पर्म एक तरह समझ सकते हैं जो सीड होता है ना हमको दिखता है, उस तो ऊपर कॉटिलेडन होता है, उसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीड के अंदर एंडोस्पर्म बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी यहाँ पे ज्यादा नहीं जाएंगे, तो फिलहाल हमारे मतलब का क्या हो गया, पैरेन्काइमा कैसे हैं, लिविंग सेल होते हैं, कोई मतलब नहीं इनसे। आते हैं आगे कोलेनकाइमा, ये भी कैसे हैं, लिविंग सपोर्टिव टिश्यू है। ये कैसे हैं, लिविंग विद इररेगुलर वॉल्स, इसकी वॉल्स देख लो इररेगुलर है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है, कोई ऐसी है, लेकिन कैसे है ये, लिविंग है, लिविंग के साथ साथ सपोर्टिव भी है। बात समझ में आ रही है, क्या कह रहा है ये, सेल्स मेनली फॉर्म सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्ट करने में, प्लांट को सपोर्ट करते हैं, एंड हैव इररेगुलर सेल वॉल्स। इनके सेल वॉल्स कैसे हैं, इररेगुलर है, दे आर फाउंड मेनली इन द कोर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड इन लीव्स। अब अगर प्लांट एनाटॉमी नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोर्टेक्स हम कह सकते हैं, प्लांट को से काटें अगर, एक तने को काट दें तो अंदर वाला पार्ट को छोड़ दें अगर, तो ऊपर वाले से लेकर के नीचे वाले, ये थोड़ा सा बीच वाला पार्ट जो होता है, ये क्या कहलाता है, कोर्टेक्स कहलाता है, ठीक है ना। कोर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड लीफ, इनके कोर्टेक्स में पाया जाता है ये। आगे आते हैं, ये अपने मतलब का है स्क्लेरेन्काइमा, जैसे हमने बताया था यहाँ पर। तो क्या है स्क्लेरेन्काइमा, द मेजर फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा इज सपोर्ट। इसका मेजर फंक्शन क्या है, सबसे बड़ा फंक्शन है सपोर्ट करना, इसके बारे में पक्का जान लेना, क्योंकि फाइबर्स स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। मैच्योर, जो स्क्लेरेन्काइमा मैच्योर हो गया है, सेल्स आर यूजली डेड सेल, ये जनरली कैसे होते हैं, जैसे ही मैच्योर होते हैं ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। डेट हैव हैवीली थिकंड, बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, हैवीली मतलब बहुत ज्यादा मोटे हो गए, थिकंड सेल वॉल्स। इनका जो सेकेंडरी वॉल्स होते हैं, प्लांट सेल वॉल के तीन होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी वॉल होती हैं, इनके जो सेकेंडरी वॉल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या होती है, मोटी हो जाती है, बिकॉज उनके अंदर लिग्निन नाम का एक केमिकल डिपॉजिट हो जाता है। द सेल्स आर रिजिड, सेल ठोस होते हैं, एंड नॉन स्ट्रेचेबल, ये खींचेंगे नहीं, ठीक है, एंड आर यूजली फाउंड इन नॉन ग्रोइंग रीजन। कहां पाए जाते हैं ये, ऐसे हिस्से प्लांट के जहां पर प्लांट की ग्रोथ ना हो रही हो, ऑफ प्लांट बॉडी सच एज द बार्क, जो ऊपर की छाल होती है, और मैच्योर स्टेम, जो स्टेम मैच्योर हो गई है, बड़ी हो गई, अब उसको और ज्यादा बढ़ना नहीं है, क्लियर है। फिर कह रहा है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स ऑकर इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज, बट टू मेन टाइप्स ऑकर एज फाइबर्स एंड स्क्लेरिड। ये देखो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कई सारे शेप साइज में पाया जाता है, दो अपने मतलब के जो है वो कौन से हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड। अब स्क्लेरिड क्या होता है, फ्रूट में जो जैसे अखरोट खाते हो उसके ऊपर जो है ना हार्ड हार्ड पार्ट होता है वो स्क्लेरिड होता है, अपने मतलब का नहीं है, तो बस पता होना चाहिए स्क्लेरिड होता है, ये अपने मतलब का नहीं है, अपने मतलब के कौन आ गए, फाइबर। तो कोरिलेट कर पा रहे हो, फाइबर कहां से आ रहे हैं, प्लांट के कौन से हिस्से फाइबर बना रहे हैं, धागे बना रहे हैं, ठीक है, आओ देखें आगे। तो कह रहा है फाइबर, फाइबर क्या कह रहा है, प्लांट फाइबर्स आर फाउंड एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन ऑल हायर प्लांट। जो फाइबर होते हैं ऑब्वियस बात है स्ट्रक्चरल, यानी कि प्लांट का ढांचा तैयार करते हैं वो, अगर स्ट्रक्चरल फाइबर ना हो तो प्लांट गिर पड़े, मजबूती देते हैं प्लांट को, ये क्या देते हैं, मजबूती देते हैं, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। स्ट्रक्चरल एलिमेंट का मतलब उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखने में हेल्प कर रहे हैं। बॉटनिकली द फाइबर इज, कह रहा है बॉटनिकली द फाइबर इज कंसिडर्ड टू बी एन इंडिविजुअल सेल। फाइबर हम मान के चलते हैं कि एक अकेला सेल है, विच इज अ पार्ट ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल और टिश्यू। भाई सेल से मिलकर ही क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, तो बॉटनिकली कहा जाता है फाइबर एक सिंगल सेल होता है जो कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का पार्ट होता है, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय थिक सेल वॉल एंड हाई लेंथ टू डायमीटर रेशियो। कह रहा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी सेल वॉल बहुत मोटी होगी, बाहर की जो सर्फेस होती है, और इसका जो रेशियो होता है लेंथ टू डायमीटर, लेंथ अपॉन डायमीटर रेशियो काफी ज्यादा होता है, लेंथ बहुत ज्यादा होती है, डायमीटर बहुत कम होता है। देखो जूट
जूट जो निकालते हैं चारपाई बुनते हैं, लंबे लंबे धागे होते हैं और उनका डायमीटर बहुत पतला होता है ना, बहुत पतले पतले होते हैं, तो लेंथ जो डायमीटर रेशियो इनका काफी ज्यादा होता है, रीचिंग 1000 and more, यानी कि ये जो डायमीटर होता है लगभग 1000 तक पहुंच जाता है, काफी लंबे लंबे होते हैं ये। क्लियर है? लेंथ टू डायमीटर रेशियो। आगे आते हैं, स्पिंडल शेप सेल विद टैपर्ड एंड्स आर कंसिडर्ड टू बी अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइबर सेल। स्पिंडल शेप ये जनरली कैसे होंगे? इस टाइप से स्पिंडल शेप, ठीक है ना, और टैपर्ड एंड, ये स्पिंडल हो गया, एंड कैसा है? टैपर, जिसका एक हो गया चौखा चौकोर और जिसका एंड ऐसा कुन्नेदार रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टैपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इस तरह से एंड जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? टैपर। तो कह रहा है स्पिंडल शेप, ये शेप कैसा होगा? स्पिंडल एंड टैपर एंड आर कंसिडर्ड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइबर सेल। ये फाइबर सेल्स के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, खास गुण है उसके। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट फाइबर इज द वुड। सबसे ज्यादा अगर कहीं से हमें प्लांट फाइबर मिलता है तो वुड से। अब तुम कहो सर वुड तो लकड़ी होती है। हाँ, वुड लकड़ी होती है, बट टेक्निकली जो सेकेंडरी जाइलम होता है, टेक्निकली यानी कि हम कह सकते हैं साइंटिफिकली जो सेकेंडरी जाइलम होता है, तुमने कहीं प्लांट को कटा हुआ देखा है? प्लांट से कटा होता है तो बीच में ऐसे ऐसे रिंग सी बनी होती है, देखा ना, प्लांट का तना जो कटा हुआ होता है, तो बाहर के पार्ट को छोड़ दें अगर, तो अंदर का ये जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है? वुड कहा जाता है। टेक्निकली वुड तो फिर सभी है, बात समझ में आ रही है? ऑफ बोथ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कौन होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट जो फूल देते हैं, एंड कॉनिफेरस जिम्नोस्पर्म। और कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म प्लांट की वैरायटी है, जिम्नोस्पर्म पता है ना, जो कि कॉनिफेरस होते हैं, ऐसे कौन बना के रखते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनिफेरस जिम्नोस्पर्म। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बातें हमने समझ ली यहां पर, क्या कि फाइबर्स कहां से आए, कैसे होते हैं, उनके सेल्स कैसे होते हैं और कौन से सेल्स प्लांट के फाइबर्स बनाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने फाइबर की जानकारी ले ली सारी। जरा ऐसा क्लासिफिकेशन देख लें, फाइबर्स कहां कहां से हो सकते हैं। प्लांट बेस्ड फाइबर्स की बात करें तो बास्ट और स्टेम फाइबर, जो स्टेम से मिलेंगे हमें, कहां से मिलेंगे? स्टेम से, लीफ से मिलने वाले, सीड और फ्रूट से मिलने वाले, स्टॉक से मिलने वाले, ग्रास और रीड फाइबर, ग्रास से मिलने वाले, वुड फाइबर जो मैंने अभी बताया था, ये हार्डवुड और सॉफ्टवुड, दो तरह की वुड होती है, हार्ड और सॉफ्टवुड। अभी हार्ड और सॉफ्टवुड पे हम लोग नहीं जाएंगे, प्लांट की एनाटॉमिकल पार्ट होता है, एक वुड होती है जो स्प्रिंग में बनती है, एक होती है जो किसमें बनती है? ऑटम में बनती है, ठीक है ना, उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इस टाइम से बनने वाला बनाना, बनाना को मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ, बाकी यहाँ पे कुछ एक एक दो दो एग्जाम्पल जो तुम कॉमन कॉमन हो वो याद कर सकते हो। बनाना का मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो। बनाना का पेड़ सबने देख ही लिया है, देखा है ना, कुछ ऐसे है कि देखा ही नहीं होगा, कटा हुआ भी देखा होगा, नहीं देखा तो देखो। देखो बनाना पेड़ ऐसा होता है जो इसका स्टेम होता है उसमें कोई लकड़ी तो होती नहीं है, ये सर छाल छाल के देख रहे हो, खींच खींच के रेशे निकाले हुए हैं, और इन रेशों से ये बन गई क्या? रस्सी। तो यही तो है फाइबर, इसे खींच खींच के ऐसे निकालो तो फाइबर, ठीक है ना, लंबे लंबे सेल जोड़ करके लंबे लंबे रेशे बन रहे हैं, इनको हम जोड़ जोड़ के क्या बना ले रहे हैं? रस्सी बना लेते हैं अपनी, या किसी और काम में आने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हमको लेकिन रस्सी से मतलब नहीं है, हमें कौन से वाले फाइबर पढ़ने हैं यहाँ पर? जो हमारे मेडिसिनल यानी कि हमारी सर्जरी वगैरह में काम आते हैं, चोट वगैरह के ऊपर पट्टी लगाने में काम में आते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलें, तो पहला फाइबर आता है अपना कॉटन। कॉटन का पेड़ देखा सब लोगों ने, ऐसा क्या होता है देखो बता तुम्हें, इस टाइप से इसका एक वो आता है, फल आता है, फल जब पक जाएगा इसे खुलेगा, खुलता है तो उसके अंदर इस टाइप से ये रेशे निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इसका फल है ये इंपॉर्टेंट है, ये जब पकेगा खुल जाएगा पूरा तो इस तरह से क्या निकल के आते हैं? कॉटन, ये रेशे निकल आते हैं, इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, फिर फैक्ट्रीज भेज देते हैं और फैक्ट्री से प्रोसेस वगैरह होकर के आगे जो इसका काम होना होता है वो होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलें थोड़ा सा इस बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन ले लें हम लोग कॉटन के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन है जनरल? देखो क्या कह रहा है, कॉटन ये सॉफ्ट मुलायम होता है, फ्लफी, फ्लफी मतलब इसको हम पिचका सकते हैं, ठीक है, फ्लफी स्टेपल फाइबर। ये कैसा फाइबर है? स्टेपल फाइबर है नाम है इसका, डेट ग्रोज इन अ बॉल, ये बॉल के रूप में ग्रो होता है और प्रोटेक्टिव केस, और प्रोटेक्टिव केस में ग्रो होता है अराउंड द सीड, इसके बीच में ना बीज होता है, ठीक है, तो बीज को प्रोटेक्ट करके रखता है ये। ऑफ द कॉटन प्लांट ऑफ जीनस गॉसिपियम इन द मेलो फैमिली मालवेसी। तो यहां पर बता दिया कि किस जीनस का है,
और किस फैमिली को ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये आगे भी काम में आएगा इसके सोर्स में। द फाइबर इज ऑलमोस्ट प्योर सेलुलोज। अब यहां पर इसका कहीं ना कहीं केमिकल वाला पार्ट आ गया, प्योर सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है लगभग। एंड कंटेन माइनर परसेंटेज ऑफ वैक्सेस, बहुत माइनर, बहुत थोड़ी से वैक्सेस होते हैं, फैट होते हैं, पैक्टिन्स होते हैं और वाटर बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, ज्यादातर इसके अंदर सेलुलोज होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका खत्म, सोर्स खत्म, ठीक है, आगे आते हैं। अंडर नेचुरल कंडीशंस द कॉटन बॉल्स विल इंक्रीज द डिस्पर्सल ऑफ द सीड। नेचुरल कंडीशन में है क्या, अब देखो हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसा कुदरत ने इसको बनाया है, बीज इसके बीच में है, बीज इसके बीच में है, जब ये पक जाएगा तो ये कॉटन क्या होती है, हल्की होती है, तो ये उड़ती हुई कहीं पे चली जाएगी और जहां गिरेगी वहां पर प्लांट ग्रो करेगी। तो इसके डिस्पर्सल में, डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलने में इसको क्या कर रही है, हेल्प करती है, ठीक है ना। तो नेचुरल कंडीशन में द कॉटन बॉल्स, जो कॉटन की बॉल है, विल इंक्रीज, इंक्रीज करती है डिस्पर्सल, यानी कि उसके फैलाव में, है ना, जैसे गेहूं हमने यहां बोया फिर कहीं और बो दिया तो गेहूं क्या है, फैल रहा चारों तरफ, तो उसके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। करंट एस्टिमेट ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, अब यहां बात कर ले, करंट एस्टिमेट ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन आर अबाउट 25 मिलियन टन्स, लगभग 25 मिलियन टन्स की पैदावार है पूरी दुनिया में, और 110 मिलियन बेल्स एनुअली। बेल्स क्या होते हैं, जो इसके पैकेट्स होते हैं, रुई को दबा दबा के इसके बड़े बड़े पैकेट बनाए जाते हैं, उसका हम लोग क्या कहते हैं, बेल्स कहते हैं। वो लगभग कितने बनते हैं, 110 मिलियन बन जाते हैं पूरी दुनिया में। अकाउंटिंग फॉर 2.5% ऑफ द वर्ल्ड एरेबल लैंड, एरेबल मतलब जो दुनिया की खेती लायक है, लैंड है, उसका लगभग कितना है, ये 2.5% है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ये दुनिया का, भारत जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का। द यूनाइटेड स्टेट हैज बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉर मैनी ईयर। अब देखो है ना, कितना अजीब बात होगी, हमारी, हमारा देश सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पैदा करता है, उसके बावजूद उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, कम पड़ जाता है, इतनी जनसंख्या अपनी। यूनाइटेड स्टेट पॉपुलेशन कम है, खूब पैदा करता है, एक्सपोर्ट कर देता है, ज्यादा उसको वहां पर जरूरत है नहीं। बात समझ में आ रही है, तो ये थी इसकी जनरल बातें। अब बात करते हैं सिनोनिम, सिनोनिम में आ जाएंगे इसका रॉ कॉटन, प्यूरिफाइड कॉटन और एब्जॉर्बेंट, ऐसी कॉटन जो एब्जॉर्ब कर ले, है ना, जो सर्जिकल कॉटन होती है, ऐसे रुई वगैरह डिटॉल में डालो या चोट पे लगाओ तो खून को एब्जॉर्ब कर लेती है। बायोलॉजिकल सोर्स एपिडर्मल ट्राइकोम्स, एपिडर्मल मतलब होता है सबसे ऊपर की परत, है ना, खाल की सबसे ऊपर की परत, उसे क्या क्या कहा जाता है, एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ द, ठीक है, कह सकते हो सीधा सीधा, एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ सीड ऑफ गॉसिपियम हर्बेसियम, ठीक है, किसके एपिडर्मल ट्राइकोम्स होते हैं, यानी किसके बीज के रेशे होते हैं, ये गॉसिपियम हर्बेसियम के एंड अदर स्पीसीज ऑफ गॉसिपियम, और गॉसिपियम भी कुछ अदर स्पीसीज जैसे कि गॉसिपियम हर्स्यूटम, गॉसिपियम बर्बाडेंसे, ठीक है ना, और ये सब बिलोंग करते हैं फैमिली मालवेसी को। क्लियर है बातें। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करें तो इसके अंदर जैसे बताया था ये मैंने, 90% लगभग सेलुलोज है, 7-8% मॉइस्चर होता है, थोड़ा सा वैक्स, थोड़ा सा फैट, ठीक है, ऑयल होता है 0.15%, प्यूरिफाइड कॉटन, ये तो बात कहानी खत्म हो गई, अब क्या कह रहा है, प्यूरिफाइड कॉटन और एब्जॉर्बेंट कॉटन कंटेन मोस्टली सेलुलोज एंड 6-7% ऑफ मॉइस्चर, जो बिल्कुल प्योर होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेलुलोज और थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है बातें, चले आगे। ओके नाउ ऑर्गेनोलेप्टिक, अब देखो ये तीन वर्डिंग्स हैं, आ सकता है एग्जाम में डिस्क्रिप्शन या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कह लो या उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब ऑर्गन, ऑर्गन जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उससे हम छू के देख के पता लगाएं कि कोई चीज कैसी दिख रही है, उसी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी कह देते हैं, उसी को हम लोग डिस्क्रिप्शन भी कह देते हैं, ठीक है, चॉइस अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, तीनों लिख दिया मैंने। तो कलर इसका व्हाइट है, ऑर्डर होता नहीं है, कोई खुशबू नहीं होती, टेस्ट होता नहीं, टेस्टलेस है। शेप की बात करें, दीज आर द फाइन फिलामेंट, फिलामेंट मतलब पतले पतले, बहुत पतले धागे होते हैं, हेयर लाइक, है ना, बाल की तरह, सॉफ्ट एंड यूनिसेलुलर, बहुत मुलायम होते हैं, और कैसे हैं ये, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड होते हैं। साइज की बात करें तो 2.2 से 4.6 सेंटीमीटर लंबे होते हैं एंड 20-30 माइक्रोन इन डायमीटर, बहुत पतला डायमीटर होता है इसका, माइक्रोन में है ना, माइक्रोन यानी कि 10^-6 मीटर, बहुत छोटी वैल्यू है। क्लियर है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें, द प्लांट इज नेटिव टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, कहां कहां पाया जाता है, अराउंड द वर्ल्ड, है ना, पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग द अमेरिका, अफ्रीका, इजिप्ट एंड इंडिया, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली बात याद ना रहे तो अमेरिका, अफ्रीका,
अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, इजिप्ट, ये याद रख लेना, ठीक है। अब कह रहा है द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड कॉटन, वाइल्ड कॉटन जंगली कॉटन, यानी कि जो एक ऐसा बीज जो नेचुरली पाया जा रहा है, स्पीसीज इज फाउंड इन मैक्सिको फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, यानी कि वाइल्ड कॉटन जो एक, अब क्या है कॉटन एक हाइब्रिड ब्रीड बना ली गई है उसका, वो करा करके वाइल्ड कॉटन मतलब जो नेचुरल कुदरती तौर पे उसमें जो चेंजेस होंगे कुदरती तौर पे होंगे, हम लोगों ने कुछ भी नहीं कर रखा है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, वाइल्ड कॉटन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बात करें अगर कल्टीवेशन की तो कैसे उगाया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो आओ देखें क्या बोल रहा है। कॉटन इज कल्टीवेटेड बाय मींस ऑफ सीड, सीड इसके जमीन में गाड़े जाते हैं, सोइंग मेथड है ना, बो दिए। द सीड्स आर सोन इन रोज ऑफ अबाउट 4 to 5 feet इन डिस्टेंस, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, 4 to 5 feet की दूरी पर बीज को बो दिया जाता है। क्लियर, आगे आते हैं। प्रॉपर फर्टिलाइजर्स आर प्रोवाइडेड टाइमली, टाइम टाइम पे फर्टिलाइजर देना पड़ता है। द कॉटन प्लांट्स आर श्रब्स और स्मॉल ट्रीज, हम कह सकते हैं ये श्रब्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पेड़ नुमा कह सकते हैं हम लोग इसे, डेट बियर फ्रूट्स, इसके ऊपर क्या आते हैं फ्रूट, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, है ना। ये देखा था हम लोगों ने अभी, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था ये, है ना, ये फ्रूट जो है इसका कैप्सूल टाइप का बताया जा रहा है ये, ठीक है ना। आफ्टर फ्लावरिंग, जब फ्लावरिंग हो जाएगी जो ये फ्रूट बन गया, ये ठीक है फ्लावर हुई वो फ्रूट बन गया। द कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 seeds, उसके अंदर 4 to 5 seed होते हैं, एंड इज कवर्ड विद अ हेयर्स, वो सफेद सफेद देख रहे थे उसके अंदर वो क्या थे, उसके हेयर्स थे, वो बीज उससे क्या हो रखे हैं, कवर हो रखे हैं। अब क्या कह रहा है, द बॉल्स आर कलेक्टेड व्हेन राइप, जब पक जाते हैं तो इन बॉल्स को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, सेपरेट फ्रॉम द कैप्सूल, उस कैप्सूल से अलग कर लेते हैं, ड्राइड सुखाएंगे एंड सब्जेक्टेड टू गिनिंग प्रेस फॉर प्रोसेसिंग। गिनिंग प्रेस जो कॉटन होती है ना उसके ऊपर बहुत हैवी टनो टन मशीन से ऐसे पिचका करके ना प्रेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड गिनिंग प्रेस। इन गिनिंग प्रोसेस मशीन सेपरेट्स कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड बॉल्स एंड डस्ट पार्टिकल, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कॉटन फाइबर को सीड बॉल से और डस्ट पार्टिकल से भी अलग कर दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है, ओके। द शॉर्ट एंड लॉन्ग हेयर सेपरेटेड बाय डिलिंटर्स, मशीन होती है तो शॉर्ट और लॉन्ग हेयर्स, जो छोटे हेयर्स हैं और लंबे हेयर्स हैं, उनको क्या करते हैं डिलिंटर से अलग कर देते हैं। शॉर्ट हेयर्स आर नोन एज लिंटर्स विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इनफीरियर ग्रेड कॉटन वूल, जो छोटे छोटे हेयर होते हैं उससे हम लोग लो क्वालिटी के कॉटन या ऊन बनाने में हेल्प करते हैं। वेयर एज लॉन्ग हेयर आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लॉथ, जो लंबे हेयर्स होते हैं उससे हम लोग क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। द सीड्स रिमेन आफ्टर द रिमूवल ऑफ हेयर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉटन सीड ऑयल, जो सीड बच जाते हैं हमने रिमूव कर लिया हेयर को, और जो सीड रिमेन आफ्टर द रिमूवल ऑफ हेयर, हेयर रिमूव कर दिया सीड बच गया, उसको हम लोग निकाल करके क्या बना लेते हैं, कॉटन सीड ऑयल बना लेते हैं। ऑयल केक फॉर डोमेस्टिक एनिमल फीड, और ऑयल केक बना लेते हैं जिससे कि हम लोग, जैसे कि होता है ना गाँव में खर होती है, सरसों को पीसो तो बाद में क्या खर जैसी निकलती है, तो वैसे यहां से हम लोग क्या बना लेते हैं, ऑयल केक बना लेते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल को खाने में दिया जाता है, ओके। द रॉ कॉटन सो ऑब्टेन्ड, जो यहाँ से कच्चा कॉटन मिला, इज फुल ऑफ इम्प्योरिटीज, इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है लाइक द कलरिंग मैटर, उसके अंदर कलरिंग मैटर वगैरह कुछ और हो सकता है, एंड फैटी मटेरियल, कुछ चिपचिपे पदार्थ हो सकते हैं। इट इज देन सब्जेक्टेड टू फर्दर प्यूरिफिकेशन, उसको फिर फर्दर आगे प्यूरिफाई करने के लिए भेजा जाता है बाय ट्रीटिंग विद डायल्यूट सोडा एज सोल्यूशन अंडर प्रेशर फॉर अबाउट 15 आवर, 15 घंटे के लिए इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जिससे कि उसकी इम्प्योरिटी खत्म हो जाए। इट इज देन ब्लीच्ड, उसको बाद में ब्लीच किया जाता है एंड वॉश प्रॉपरली धुल दिया जाता है, सुखाया जाता है, ड्राइड एंड पैक्ड, फिर उसे क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। द पैक्ड कॉटन इज देन स्टरलाइज यूजिंग रेडिएशन, जो कॉटन हमने पैक कर दी है रेडिएशन दे करके उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टरलाइज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसे कीटाणु रहित बना रहे हैं। यूजेस की बात करें, कॉटन इज यूज्ड एज फिल्टरिंग मीडियम एंड इन सर्जिकल ड्रेसिंग, है ना, सर्जिकल जो काट पीट करते हैं बॉडी में उसकी ड्रेसिंग में काम आ रहा है, फिल्टरिंग मीडियम फिल्टर करने में काम में आता है। एब्जॉर्बेंट कॉटन एब्जॉर्ब ब्लड पस म्यूकस एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वाउंड, तो ये एब्जॉर्बेंट कॉटन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी तुम लोग जाओगे जा करके मेडिकल स्टोर पर बोलना कि हमें साधारण कॉटन और उससे बोलना एब्जॉर्बेंट कॉटन, दोनों में तुम लोगों को अंतर समझ में आ जाएगा, जो लोग मेडिकल स्टोर वगैरह पे बैठते हैं या जानते हैं उनको पता होगा इन दोनों में अंतर होता है, एब्जॉर्बेंट कॉटन थोड़ी सी अलग होती है, कॉस्टली आती है। क्लियर है बातें, तो ये था हमारा आज का लेक्चर कॉटन, ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको तोड़ दिया लेक्चर को, क्योंकि
काफी सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, जैसे कल्टीवेशन कलेक्शन वाला पार्ट थोड़ा लेंदी हो जाता है, कुछ और चीजें हैं। इससे क्या है, छोटे छोटे पार्ट में रहेगा, देखना आसान हो जाएगा, लर्न करना आसान हो जाएगा। और फिर कह रहा हूं लास्ट लेक्चर नंबर 5 में सारे नोट्स एक साथ मिल जाएंगे, और जो आज पढ़ा दिया है, इस लेक्चर का पढ़ा दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के नीचे लिंक में इसका नोट्स निकाल सकते हो। क्लियर है? तो क्या करना है, गुड, रिवाइज करना है। ऑल द बेस्ट।